हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे आर्डेंस थ्योरम के बारे में। आर्डेंस थ्योरम हमारा यूज़ आता है किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा का रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्ट करने में। मींस एक फाइनाइट ऑटोमेटा हमारे पास गिवन होता है, उसका क्या कहते हैं हम रेगुलर एक्सप्रेशन निकालते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है कि कैसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा का रेगुलर एक्सप्रेशन निकालें, बट वो क्या था हमारे पास शॉर्टकट तरीका। मीन्स हम देखते थे क्या क्या सिम्बल्स हैं, कितने लूप्स लगे हुए हैं, तो हम डायरेक्ट उसका क्या कर लेते थे, हम रेगुलर एक्सप्रेशन निकाल लेते थे। ये आपका थोड़ा लॉन्ग मेथड है, मीन्स आपका स्टेप बाय स्टेप मेथड है। ये जो आपका थ्योरम है ये आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में आते हैं और 5 मार्क्स 10 मार्क्स में आ जाता है आपका, कि आपको फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन होता है और आपको रेगुलर एक्सप्रेशन निकालना होता है। तो इसमें क्या होता है, आपके स्टेप बाय स्टेप्स होते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं कि आर्डेंस थ्योरम है क्या, और उसके बाद देखेंगे उसका एक न्यूमेरिकल कि कैसे हम किसी फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं इस थ्योरम से। आर्डेंस थ्योरम क्या कहता है आपका, लेट पी एंड क्यू बी टू रेगुलर एक्सप्रेशन। मीन्स दो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है पी एंड क्यू, और पी इफ़ पी डज नॉट कंटेन नल स्ट्रिंग। अगर पी में क्या है आपके पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसमें नल स्ट्रिंग नहीं है, तो हमारे पास जो एक इक्वेशन होती है आर इक्वस टू क्यू प्लस आर पी, उसको हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वस टू क्यू पी स्टार। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसी गिवन है तो हमको उसको क्या लिखते हैं, आर इक्वस टू क्यू पी स्टार। इसको प्रूफ कर लेते हैं इसका, कि इसको हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं। इसका एक प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ है, पेपर में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि छोटा सा प्रूफ है इसका। हमारे पास क्या इक्वेशन है, आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी। हम क्या करते हैं, आर की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। आर की जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, यही वैल्यू। आर की जगह क्या है आपका, क्यू प्लस आर पी। हमने r की जगह यही वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, r की जगह q प्लस आर पी, और ये क्या हो गया, p। तो r इक्वल्स टू क्यू प्लस क्यू पी प्लस आर पी स्क्वायर। ऐसे क्या करेंगे हम, r की जैसे जैसे r की वैल्यू यहाँ पर आएगी वैसे उसको सब्सिट्यूट करते जाएंगे। मीन्स n नंबर ऑफ टाइम्स क्या करेंगे हम, इसको सब्सिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास जो लास्ट में इक्वेशन आएगी ऐसे हम सब्सिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, r इक्वल्स टू क्यू प्लस क्यू पी प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू पी क्यूब, ऐसे ही हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आएगा। ठीक, तो उससे हम हमने क्या कर लिया, क्यू हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आएगा आपका एप्सिलॉन, अगर क्यू से इसमें कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आएगा आपका पी प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब, ऐसे क्या आएगा आपका इनफाइनाइट, मतलब पी क्यू पी फोर पी फाइव। अब क्या है, जैसे आप जानते हैं ए का क्लीन क्लोजर, मीन्स ए स्टार क्या होता है आपका, एप्सिलॉन ए ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर, ऐसे ही होते हैं आपके वैल्यूज़। जो आपका ए का क्लीन क्लोजर होता है उसकी वैल्यूज लैंग्वेज का डिफाइंड होती है ये। तो ये क्या है आपका, वही है, बट किस में है आपके, सिंबल पी में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू क्यू पी स्टार। तो ये क्या है आपका, आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी को हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू क्यू पी स्टार। तो ये तो था इसका प्रूफ। आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल कि कैसे हम आर्डेंस थ्योरम का यूज़ करके किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को हम क्या करें, रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये फाइनाइट ऑटोमेटा है क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, जिसमें आपके नंबर ऑफ स्टेट्स आपके 3 हैं, और क्यू वन क्या है आपका इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है। तो हमको क्या करना है, आपको इसमें इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस कैसे बनानी है, जैसे आर्डेंस थ्योरम में थी आपकी आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी, इस फॉर्म में आपको इक्वेशन बनानी है, और फिर इसको क्या करना है, आर इक्वल्स टू क्यू पी स्टार, इसमें क्या कर देना है आपको कन्वर्ट। अब वो कैसे करना है, तो आप क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी उतने ही क्या बनेंगे, आपके इक्वेशंस बनेंगे। जैसे आपका क्यू वन क्यू वन क्यू वन क्या बनेगा, क्यू वन का मीन्स है आपकी क्यू वन पे आप कौन कौन से स्टेट से कौन से सिंबल रीड करने के बाद आप क्यू वन स्टेट पे पहुंच सकते हैं। मीन्स आपके पास एक स्टेट है क्यू वन, स्टेट है आपके पास क्यू वन, इस स्टेट पे आप कैसे पहुंच सकते हैं, किस स्टेट से पहुंच सकते हैं और क्या सिंबल रीड करने के बाद पहुंच सकते हैं। तो Q1 पे कैसे पहुंच सकते हैं, Q1 पे अगर मैंने A रीड किया तब मैं Q1 पे आ सकता हूँ, Q1 पे अगर मैं A रीड करूँगा तब मैं Q1 पे आ सकता हूँ, या तो फिर मैं Q2 से कोई डायरेक्ट एज नहीं है और Q3 और Q3 पे मैं A रीड करूँगा तब क्या आ सकता हूँ, मैं Q1 पे आ सकता हूँ। तो इसको कैसे लिखेंगे, Q1 के लिए
क्यू वन पे मैं कैसे कैसे आ सकता हूँ, क्यू वन पे अगर मैं ए रीड करूँगा तब मैं क्यू वन पे आ सकता हूँ, प्लस क्यू थ्री, क्यू थ्री पे अगर मैं ए रीड करूँगा तब मैं क्यू वन पे आ सकता हूँ, प्लस आपका एप्सिलॉन। मीन्स अगर क्यू वन आपका इनिशियल स्टेट है, क्यू वन आपका इनिशियल स्टेट है, तब उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या जोड़ेंगे हम, एप्सिलॉन। क्यू टू और क्यू थ्री के लिए हम नहीं जोड़ेंगे। अगर क्यू वन हमारे पास इनिशियल है तब उसमें क्या जोड़ देंगे हम, एक एप्सिलॉन। वैसे ही क्यू टू, क्यू टू स्टेट में मैं कैसे कैसे पहुंच सकता हूं आपका, क्यू वन से मैंने बी रीड किया तब मैं क्यू टू पे पहुंच सकता हूं, प्लस क्यू टू पे अगर मैंने बी रीड किया तब भी मैं क्यू टू पे, अगर क्यू टू पे मैंने बी रीड किया तब भी मैं क्या बोल सक पहुँच सकता हूँ मैं क्यू टू पे, प्लस अगर मैंने क्यू थ्री पे अगर बी रीड किया, क्यू थ्री पे अगर मैंने बी रीड किया तब भी मैं क्या पहुँच सकता हूँ आपका क्यू टू पे। क्यू थ्री पे मैं कैसे पहुँच सकता हूँ, क्यू थ्री के लिए एक ही है, क्यू टू पे, क्यू टू पे मैंने ए रीड किया तब मैं क्या पहुँच सकता हूँ आपका क्यू थ्री पे। तो ये मेरे पास क्या बन गई आपकी, तीन इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, Q1, Q2, Q3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मेन चीज़ ये है, आप Q1 की वैल्यू निकालेंगे, Q2 की या Q3 की, जो भी हमारे पास फाइनल स्टेट होगा हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे Q1 क्या है हमारे पास, फाइनल स्टेट है, तो हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो Q1 की हम वैल्यू निकालेंगे और जो भी उसका एक्सप्रेशन होगा वही क्या होगा हमारे पास, फाइनल आंसर। अगर हमारे पास Q3 फाइनल आउटपुट होता, मीन्स ये हमारे पास फाइनल स्टेट होती Q3, तो हम Q3 की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ क्या है, Q1 आपका फाइनल स्टेट है, तो हम क्या करेंगे Q1 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, हम क्या कहते हैं Q3 की वैल्यू Q2 में क्या कह दिया हमने, सब्स्टिट्यूट, तो Q2 क्या हो जाएगा हमारे पास, Q1 B प्लस Q2 की जगह, सॉरी ये Q2 B प्लस Q3 की जगह क्या आ जाएगा आपका, Q2 A B, फिर Q2 क्या आएगा आपका, Q1 B प्लस Q2 कॉमन ले लिया, यह क्या आएगा B प्लस ए बी। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है किस फॉर्म में है, ये R इक्वल टू Q प्लस आर पी के फॉर्म में है। ये क्या है आपका R, ये पूरा क्या है आपका Q, ये क्या है आपका R और ये क्या है आपका P। R क्या है आपको Q2, यहाँ भी क्या है Q2, तो Q R इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे हम, R इक्वल टू क्यू पी स्टार, मीन्स Q2 इक्वल टू Q1 B, B प्लस ए बी स्टार। तो ये क्या हो गया हमारे पास इक्वेशन फोर। ठीक, अब क्या करेंगे हम, Q2 की वैल्यू आ गई Q1 के टर्म्स में, तो Q1 की हमारे पास Q1 में है, यहाँ Q3, तो हम क्या करेंगे Q3 की वैल्यू हम दोबारा Q1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या आया हमारे पास, Q1 इक्वल्स टू Q1 A प्लस Q3 की जगह क्या लिख दिया हमने, Q2 A और यहाँ A पहले से ही है, प्लस एप्सिलॉन, ठीक, सॉरी Q1 ये आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, Q2, जो Q2 की वैल्यू आई है हम इसको इसमें सब्सिट्यूट कर देंगे, तो ये क्या आएगा हमारे पास Q1 A प्लस Q2 की जगह क्या है आपका, Q1 B, B प्लस ए बी स्टार और क्या है आपका A, A प्लस एप्सिलॉन। अब क्या क्या हमने Q1 हमने कॉमन ले लिया, Q1 इक्वल्स टू इसको मैंने आगे कर लिया है आपका एप्सिलॉन, प्लस यहाँ से मैंने Q1 कॉमन लिया Q1, तो यहाँ क्या आएगा आपका A प्लस B, B प्लस ए बी स्टार ए ए, ये आया आपका। अब यहाँ पर को क्या है, ये भी इक्वेशन किस फॉर्म में है, ये क्या है हमारे पास R, ये क्या है आपका Q, ये क्या है आपका R और ये पूरा क्या है आपका P, R इक्वल्स टू Q प्लस आर पी के फॉर्म में, तो इसको क्या कन्वर्ट करना है, R इक्वल्स टू Q P स्टार, Q
कि पहले देखेंगे आप q1 क्या है, q1 और q1 सेम है, तो क्या करेंगे आप q1 इक्वल्स टू r, ये क्या हो गया आपका एप्सिलॉन और p स्टार मींस a प्लस बी, बी प्लस ए बी स्टार ए ए, और इसका क्या आएगा फुल स्टार। अब एप्सिलॉन से तो उसको हम हटा भी सकते हैं, तो q1 इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास a प्लस बी, बी प्लस ए बी स्टार ए ए, और ये क्या आएगा फुल स्टार। तो क्या है q1 की वैल्यू हमने निकाल ली, जो क्या है एक रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये क्या है आपका फाइनल आउटपुट, मीन्स इस फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए क्या है, ये आपका है रेगुलर एक्सप्रेशन।